में आपका स्वागत है आपके साथ कांग्रेस सांसद धीरज साहू के दस ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में मिले नोटों की गिनती रविवार की देर रात पूरी कर ली गई। तीन राज्यों में झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में छापेमारी में कुल तीन सौ चौपन करोड़ रुपए बरामद हुए हैं इन नोटों को बोलांगीर और संबलपुर स्थित स्टेट बैंक में चालान भरकर जमा कराया गया है छापेमारी छह दिसम्बर को शुरू हुई थी इस रेड में मिली एक लाल डायरी की खूब चर्चा है कई दस्तावेज के साथ लाल डायरी भी आयकर विभाग के हाथ लगी है इस डायरी में तिवारी इंस्पेक्टर लिखा मिला है जिसकी काफी चर्चा हो रही है सूत्रों की माने तो लेन देन की विस्तृत सूची लाल डायरी में है आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बलांगीर में अब भी मौजूद है अधिकारी शराब निर्माण कंपनी के कुछ कर्मचारियों और कुछ स्थानीय शराब व्यापारियों के परिवार के सदस्यों से इन पैसों के संबंध में पूछताछ कर रहे हैं इस छापेमारी के बाद ओडिशा उत्पाद एक्साइज डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो गया है विभाग ने राज्य भर में देशी शराब निर्माण इकाइयों के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू कर दिया है साहू की कंपनी उन्नीस सौ से ओडिशा में देशी शराब निर्माण और बिक्री व्यवसाय में है अब आयकर विभाग की टीम ने साहू ग्रुप की छह कंपनियों की अचल संपत्ति बैंक लॉकर और अकाउंट के डिटेल्स को खंगालना शुरू कर दिया है सोमवार को टीम ने ओडिशा के टिटलागढ़ स्थित एक्सिस बैंक में साहू समूह के तीन लाकरों को खंगाला सूत्रों के अनुसार इन लाकरों में भारी मात्रा में जेवरात रखे गए हैं आयकर विभाग जेवरात का मूल्य का हिसाब किताब लगा रही है बताया जा रहा है कि तीनों लॉकर बलदेव साहू सन्स एंड ग्रुप से जुड़े शराब पैकेजिंग कंपनी के दीपक साहू और संजय साहू के हैं इसी के साथ बने रहेंगे एशिया इंडिया के साथ धन्यवाद